हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं आपके एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको मोस्टली स्टूडेंट स्किप करने की कोशिश करते हैं। सर टॉपिक क्या है सर? बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। कितने मार्क्स का टॉपिक सर? 40 मार्क्स का। अब जरा बताओ 40 मार्क्स के सब्जेक्ट को क्या हम ऐसे लिस्ट छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। और फिर जब वो सब्जेक्ट आपका MCQ बेस्ड है, अब जरा बताओ MCQ बेस्ड होने का सीधा सा मतलब है एक लाइन चार गोले, है ना? बहुत इजी है इसमें मार्क्स स्कोर करना। मैं आपको बोल रहा हूँ यस, बहुत ज़्यादा इजी है। अब जो मैं आपको इस वीडियो में एट द एंड आपको ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बताऊँगा, आप उनको फॉलो करना और आज मुझे बताना कि मज़ा आया कि नहीं। देखो हमें ना पहले वो जो मैंने लाइन बोली थी याद होगा, अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉ का जब मैं रिविज़न दे रहा था आपको, उस वीडियो में स्टार्टिंग में हमने पहले क्या किया था सर? सबसे पहले हमने पढ़ना नहीं शुरू किया था, हमने की थी सबसे पहले प्लानिंग। तो सर आज की वीडियो में भी हम आपके इन टोटल 6 चैप्टर की प्लानिंग करने वाले हैं, आखिर कैसे पढ़ा जाए कि आउट ऑफ 40 35 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर सकें। जब मैं बात करूँ 35 प्लस मार्क्स, आई नो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ सर, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो थॉट प्रोसेस है मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा इन द सेंस 35 प्लस मार्क्स के लेवल तक का हाई होगा। क्या करना है, कैसे करना है वो बताने स्टार्ट करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आपको पहले ये बोल दूं, आपने अगर अपनी बुक का सबसे पहला पार्ट पढ़ा होगा उसमें दिया गया है एक नोट जहां पर आपको बताया गया है कि ICAI आपकी ना बैंड बजाने वाला है। कैसे सर? वो बताता हूँ। देखो आप अपना मॉड्यूल उठाना और नोट में देखना कितना प्रैक्टिकल है और आप में से कितने सारे बच्चों ने ये चीज़ की है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं पढ़ देता हूँ, जहाँ पे आपको सिलेबस दिया है वहाँ पे नोट दिया गया है। इस नोट में लिखा यह गया है कि आपको पर डे एक बिजनेस मैगजीन, एक बिजनेस न्यूज़पेपर और एक बिजनेस चैनल को देखना चाहिए, है ना? पढ़ दूँ क्या? देखो स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू रीड, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ICAI आपसे टू रीड एटलीस्ट 1 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एंड 1 बिजनेस मैगजीन अ रेगुलर बेसिस। दे मे ऑल्सो वॉच अ बिजनेस चैनल टू रिमेन अपडेट अबाउट द डेवलपमेंट रिलेटेड टू कॉमर्शियल वर्ल्ड। सर फाउंडेशन लेवल पे क्या इतना पॉसिबल है आपके लिए कर पाना? देखो इंपॉर्टेंट है, ये बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, ICAI आपके लिए चाहता है आप बहुत सारी चीज़ सीख जाओ ऑन द वेरी बिगिनिंग, बट मेन मेजर पॉइंट ये है जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे क्वालिफाई करें, सेकेंड थिंग हम ऑल इंडिया रैंकिंग में अपने आप को जगह कैसे दे पाएँ। इन दोनों चीज़ों के ये वेट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से स्ट्रेटजाइज करें हम सारे टॉपिक्स को कि हम कर पाए। तो आई एम डैम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने डेली रूटीन में मैगजीन न्यूज़पेपर तो नहीं डाला होगा, थोड़ा बोरिंग होता नहीं। बट देखो यार, जब मैं आपको बताने चल रहा हूँ ना, अब जो बताऊँगा क्या चैप्टर है क्या टॉपिक है आप उसको वैसे ही पढ़ना। और ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने चल रहा हूँ, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि आप कितने डेज का चैलेंज लेना चाहते हो BCK के लिए। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ सर, 3 to 5, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आप में से जो बच्चे मेजॉरिटी में रखेंगे जिन चीज़ों को, हम वही करने वाले हैं, है ना? क्योंकि बोला जाता है क्लासेस ऑन डिमांड, आपकी डिमांड पे ये क्लास चल रही है और आप फैमिली मेम्बर्स हो, आप चाहोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। देखो 3 या 5 दिन बोले तो 3, 4, 5, आप जो चूज़ करो, मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मिनिमम में मैं कर सकता हूँ। अब आप किस चीज़ के लिए रेडी हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझना है कि हम लोग BCK की बात कर रहे हैं जो कि 40 मार्क्स का आता है, इकोनॉमिक्स के साथ प्लग होता है, MCQ बेस्ड होता है, कुछ बच्चों की करियर से सर माइनस मार्किंग है, डेफिनेटली है, 4 questions गलत करने पे 5 नंबर कटेंगे। सर कैसे कटेंगे? 1 questions के गलत होने पे 0.25 की माइनस मार्किंग है। तो ना नॉर्मली जब आपको कोई बता रहा होता है तो ऐसे बोलता है सिर्फ 0.25, सर ये सिर्फ 0 नहीं है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी तो गया ना, तो 1.025 ऐसी माइनस मार्किंग है। चलो देखते हैं, चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ BCK की, है ना? बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्शन दिया गया है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं टॉपिक्स, आपको प्रिपेयर करना है सर टॉपिक, ना कि चैप्टर देखा और यार इसमें इतना कुछ भरा हुआ है। एग्जांपल के लिए चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ लिखा गया है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हो तो वहाँ पर क्या आता है सर? बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी क्लास 11th में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट जब आप यहाँ पढ़ने आओगे तो आप ना उसको फाउंडेशन लेवल का सोच के पढ़ते हो, और जब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है यार इतना बड़ा CA में आ रहा है तो आप ना वो बस हो गया काम। तो आपको क्या करना है? सिंपल रखना चीज़ों को कि यार कुछ नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत ईजी होता है कर लेंगे। अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात है लाइक NGOs, NPO, NPO कौन से सेक्शन में है सर? ध्यान है सेक्शन 8, है ना? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन करा रहे हैं बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का। अब इसके बाद आती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
कितने टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, जहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। जैसे आपकी बात आती है डिफरेंसेस की, तो बहुत बेसिक डिफरेंस है जो ऑलरेडी क्लास 11 के पहले चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा है। जिन बच्चों ने कॉमर्स साइड से करा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर मैथ वालों के लिए छोटा सा बताया था यार, देखो बिजनेस करोगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, है ना। और अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिस्क भी बहुत कम है। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं और रिस्क भी नहीं है। तो बहुत माइनर पॉइंट है, आप एक बार पढ़ लेना इनको। अब बात पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, वो 3 to 5 days के चैलेंज में। चलो अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। देखो आपको अच्छे से पता है क्या है सर, पार्टनरशिप है, कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है। इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ ना, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट बोलूँ, आपने यार बिजनेस लॉ तैयार किया है ना, वैसे ही है, ठीक है। अभी बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, क्या ट्रिक यूज़ करें कि चैप्टर इजीली हो जाए, इतने सारे कंटेंट ना कवर करें तो भी पॉसिबल है क्या? है, बताऊँ कैसे। अभी देखो ये जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने जब लॉ में पढ़ा, पार्टनरशिप डिफिनेशन पढ़ी, कंपनी लॉ के सब पढ़ा ना, यहाँ पे क्या होगा डिफिनेशन के साथ साथ दो वर्ड और पढ़ने हैं, हर फीचर्स जो दिए होंगे उनके मेरिट्स या फिर लिमिटेशंस। तो आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे, मेरिट्स और लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से बनने के चांसेस होते ही हैं, ठीक है जी। अब चलो अब बात समझ में आ गई चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं यार, 3 टॉपिक, इवन आप कह लो 4 टॉपिक हैं, चैप्टर नंबर 2 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक में क्या क्या है सर? देखो बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो माइक्रो एंड मैक्रो होता है, ठीक है जी। इंटरनल एक्सटर्नल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो मैक्रो होता है, और उसके एलिमेंट्स क्या है वो पढ़ने हैं। इन शॉर्ट माइक्रो के एलिमेंट्स पहले, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है उसके एलिमेंट्स क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है उसके एलिमेंट्स क्या है, बेसिक है, पढ़ लोगे आराम से। चलो 3rd टॉपिक की बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहाँ पे चेंजेस भी हैं, ICAI के मॉड्यूल के थ्रू बताया गया चैप्टर नंबर 3-6 में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, और इन्हीं के लिए आपसे ICAI बोलता है कि यार हर दिन कुछ मैगजीन वगैरह देख लिया करो, बट मत देखो अभी, जैसे फाउंडेशन क्लियर कर लेना थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है, इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज का ओवरव्यू दिया गया है। अब ओवरव्यू में क्या होता है, देखो एस्टैब्लिशमेंट ईयर होता है, ठीक है, कंपनी किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मैन्युफैक्चर कर गई, ये होता है। तो यार ये सब तो नहीं चेंज हो सकता, क्या चेंज हो सकता है सर, उसके CEO चेंजते हैं, डायरेक्टर चेंजते हैं, तो मैं बताऊंगा जब ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको बताऊंगा उसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक, जिनके CEO चेंज हुए उनको हम कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर, देखो आपको ना चैप्टर के नेम से आइडेंटिफिकेशन लेना है कि आखिर हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो आपका ना माइंड एक्सेप्ट करेगा कि यार BCK इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मतलब अगर मैं ओपनली बोलूं, आपके पूरे CA फाउंडेशन में अगर कोई सबसे इजी और इंटरेस्टिंग और बहुत ही कम टाइम में प्रिपेयर होने वाला सब्जेक्ट है तो BCK है। आई नो आप इस कुछ बच्चे डिसएग्री करेंगे, बट यार सच तो यही है। अब आप जितनी जल्दी मान लो उतना ही बढ़िया हम सब के लिए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो देखो इसमें टॉपिक है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको ये 3 और एक ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। अभी मैं हम लोग टोटल भी करेंगे कितने टॉपिक कितने डेज में कन्वर्ट हो सकता है। चलो फिर आती है बात चैप्टर नंबर 5 की, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब बिजनेस की ग्रोथ एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। तो देखो टॉपिक क्या है सर, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक है आपका इंडियन रेगुलेटरी बॉडी, दूसरा इंडियन डेवलपमेंट बैंक। रेगुलेटरी बॉडी में क्या है, RBI SEBI जो कि रेगुलेट करता है। सेकंड आता है आपका कौन कौन से बैंक जो आपको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में, SIDBI, NABARD, और भी एग्जांपल्स हैं, हमको इनको डिटेल में जाना पड़ेगा। आते हैं एट द एंड चैप्टर नंबर 6 पर, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। बिजनेस करने के लिए यार कौन से कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, देखो अगर बिजनेस करना है तो जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वो फाइनेंस, मार्केट और बैंकिंग, ये 3 सबसे मेजर पॉइंट है। बिजनेस विदाउट फाइनेंस, विदाउट पैसा पॉसिबल है क्या? नहीं। चलो पैसे बहुत हो गए, बहुत मैन्युफैक्चरिंग, बहुत प्रोडक्शन कर लिया, विदाउट मार्केटिंग कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं। चलो मार्केटिंग भी की, प्रोडक्शन भी हुआ, सेल्ड आउट भी हुआ, अब बैंकिंग अगर आपको ये हेल्प नहीं करती है बैंक कि आपके ट्रांजैक्शंस को इजीली ऑनलाइन करा सके, तो क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं। अभी हमें क्या करना है, फाइनेंस की डेप्थ ड्राइव करनी है, मार्केटिंग की, बैंकिंग की और जो भी अदर हैं उन सब की डेप्थ ड्राइव करनी पड़ेगी, ईजी है लेकिन। सो अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर। सर जरा ये बताओ ट्रिक और स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत हो गया ये तो हमको मालूम है। तो देखो यार
मैं आज आपको दो चैप्टर की ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है? आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे विदाउट रीडिंग यू चैप्टर। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने अभी तक लाइक जो मैथ वाले मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जो मैथ में ज्वाइन हुए हैं और हमारी फैमिली को उन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने इंटर मैथ से करा है, उनको बताना चाहूँगी स्पेशली। ये जो हम करते हैं, आपने क्लास 11 12th में भी नहीं पढ़ा है ना, बेसिक आपके पास नॉलेज है उतना चलेगा। और जो बच्चों ने कॉमर्स पढ़ा है, गुड जॉब, मज़ा आने वाली है आपको। देखो कैसे चैप्टर में 1 उठाना, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, इसको आज इम्प्लीमेंट करके देखना। चैप्टर 1 उठाना और ये सब कुछ मत पढ़ना, कुछ मतलब कुछ नहीं, मैं पढ़ाऊँगा ऐसा नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ आज आप ट्राई क्या करने वाले। चैप्टर 1 उठाना और सबसे लास्ट में जाना जहाँ लिखा है टेस्ट योर नॉलेज, जहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, दिख रहा है ना सबको, आपकी बुक में ऑलरेडी है। आपको क्या करना है कि विदाउट रीडिंग एनी सिंगल पॉइंट इन योर मॉड्यूल, कुछ भी मत पढ़िए, MCQ ओपन करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करके देखिए। वो सारे के सारे MCQ आपके कॉमन सेंस बेस्ड पर होंगे, यकीन मानो सही बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करना, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 कर लो, चैप्टर नंबर 3 कर लो, ये बेसिक चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 कर लो, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा बिकॉज अभी आपको ओवरव्यू ईयर नहीं पता है। चैप्टर नंबर 1 और 2 पर ट्राई करना आप। आज के लिए सिर्फ 2 चैप्टर आपको दे रहा हूँ, और ट्राई कर मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि मजा आया कि नहीं। क्या करना है, रिपीट करूँ तो पहले ये ट्रिक थी जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमें चैप्टर कुछ नहीं पढ़ना है और हमें अपने आप को नंबर देने आउट ऑफ सर बात आती आउट ऑफ, जैसे यहाँ पे दिया है 20 क्वेश्चन, ठीक है? आपको ईमानदार हो कि बिना सोल्यूशन देखे 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉपी में करिएगा, बुक में नहीं, है ना? पहले कॉपी, बुक ज़्यादा गंदी ना हो, कॉपी में सॉल्व करिएगा। अब जब आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और वो ये कि यार बिना पढ़े भी आउट ऑफ 20 में 10 क्रॉस कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब आप पढ़ना शुरू करना। सर अब पढ़ेंगे कैसे, अब बात आती है स्ट्रैटजी की। सर अब जो MCQs बने ना, वो किस लेवल पर क्रिएट हुए हैं, आपकी डेफिनेशन में से, मेरिट में से, लिमिटेशंस में से बने कैसे, वो कैसे बने, ये प्लान करो और उसको पढ़ना फिर स्टार्ट करो। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चा पहले पेज से पढ़ना शुरू करता है, पूरा पढ़ता है और एट द एंड भी कन्फ्यूज रहता है। हमें MCQ पेपर के लिए स्ट्रैटजी यही डेवलप करनी है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक क्या यूज़ कर रहे हैं, पेपर का चैप्टर नंबर 1 और 2 के लिए काम करेगा। सर क्यों, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बेसिक कॉमर्शियल नॉलेज पर बेस्ड है। आपको अच्छे से पता है पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है, ज्वाइंट वेंचर क्या है, है ना? या फिर आपको ये पता है माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है। तो आपको आज ये काम करना है, चैप्टर 1 ओपन करके MCQ ओपन करना, सॉल्व करना, सिंपल है, ट्रिक हो गई। सॉल्व करके आपको आउट ऑफ 20 अपने आप को मार्क्स देना। अगर आप 7+ जा रहे हो, मतलब आप क्वालिफाई कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है? और यकीन मानो मैं आप पे भरोसा करके कह सकता हूँ 7 नंबर तो आप पाई जाओगे यार, ठीक है जी? ये हो गया। अब इसके बाद क्या, चैप्टर नंबर 2 में सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करो। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 उठाओ और जैसे मैंने बताया ना MCQ बन के ऐसे में, वैसे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो कंटेंट ज़्यादा है, आप बोर होगे, ये काम करना। और टारगेट सिंपल रखो, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 रीड करके क्लोज करो, रीड करोगे, मैं पढ़ाऊंगा नो डाउट, मैं आपको वीडियोस में सारे चैप्टर की वीडियोस दूंगा, लेकिन आपको ये कर्म कर लेना है। हमारी जो पूरी प्लानिंग है वो है 40 में 35+ जाने की, और यार यकीन मानो बहुत ईजी है। सिर्फ और सिर्फ अपने इस पूरे सिलेबस को, सारे टॉपिक को स्ट्रेटजाइज करने की जरूरत है। अब जरा देखें टॉपिक कितने हैं, आइए देखते हैं। देखो आपके यहाँ इस पेपर की अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, तो यहाँ पे 3 टॉपिक, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, टोटल टॉपिक्स हैं सर 5। चैप्टर नंबर 1 में टोटल 5 टॉपिक हैं, अगर यहाँ बात करें तो टोटल 4 टॉपिक है। यहाँ की बात हम 10 ले रहे हैं सर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 कंपनीज अप्रॉक्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो 3 और ये 4 टॉपिक्स हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग में 4, 4, 8 रख लेते हैं, और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी 1, 2, 3, 4, 4। ओके, अराउंड हम चेक करने वाले हैं कि सर टॉपिक है कितने, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है। जो लास्ट है बच्चे ने कमेंट कर दिया था सर टोटल मिस्टेक हो गई सर, 5+4+10+4+8+4, ओके 35 टॉपिक है सर, टोटल 35 टॉपिक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने LPG को भी 3 टॉपिक मान लिया है, समझ में आ रहा है? मतलब छोटे छोटे पार्ट को भी टॉपिक बना लिया है, मतलब अगर हम सब कुछ कवर करते गए तो अभी टोटल 35 टॉपिक्स हैं, टोटल 35। लाइक मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक, बिजनेस, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट को अलग अलग टॉपिक मान लिया, जो कि बहुत सिमिलर। लाइक हम टॉपिक अगर देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक टॉपिक, नॉन इकोनॉमिक एक टॉपिक है। अब ऐसे भी चेक करेंगे आप, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक फॉर्म्स टोटल टॉपिक 3 हो रहे हैं, माइक्रो मैक्रो टोटल टॉपिक 2 हो रहे हैं, यहाँ अगर हम बात करें 1 और 2, ये दो टॉपिक हो रहे हैं। इंडियन फॉर्म्स ऑफ ओवरव्यू, इसको हम एक टॉपिक ज्यूम करेंगे बिकॉज हमें कंपनीज का ओवरव्यू लेना है, है ना? वो अलग अलग कंपनीज होंगी, टॉपिक नहीं चेंज होगा। फिर अगर यहाँ बात करें तो एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, 2 हो गए यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टोटल टॉपिक सर कितने हो रहे हैं, अराउंड 14 टॉपिक सर,
अगर हमें लगभग 15 टॉपिक मान लेते हैं, 15 टॉपिक कवर करने, तो कितने दिन चाहिए इसको एनालाइज करके कमेंट करिएगा मुझे, 3-5 डेज की ओवरव्यू मुझे कमेंट बताइएगा। कल से इस पे हम लोग नेक्स्ट डे का चैलेंज लेंगे और BCK को ख़त्म करके मानिए। BCK कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर बहुत कॉमन सेंस पर बेस्ड हैं, इकलौता है यार, थोड़ा सा याद कर लेंगे ना। और इसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं कि वो बोले आपसे बेटा ये कंपनी 1890 में थी, यार अगर मैं ये बोलूँगा 1890 में थी आपको फिर भी तो पढ़ना है। कुछ टर्म ऐसे हैं जो हमें यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, वी डोंट हैव एनी चॉइस, बट येस रिमेनिंग पोर्शन मज़ा आने वाला है पढ़ने में। चलो आज पढ़ना शुरू करो, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए शानदार तरीके से पढ़ते रहो।